इतना बड़ा विशाल पूरे एशिया का और पूरे आलिशान फोर्ट जो है फोर्ट को माना जाता है, दुनिया मानती है, इसके लगभग सात बड़े बड़े दरवाजे हैं जो कि आपको इंडिया का और एशिया का सबसे लार्जेस्ट। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को इसके बारे में बहुत सारी मान्यता है, पर जो सबसे अच्छी सही मान्यता अगर भीम द्वारा बनाया गया था इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को 5000 साल पहले बात हो रही है यहाँ, ठीक है, या उससे भी पहले, क्योंकि उस भीम को एक रास्ते में एक योगी मिला था और जिससे भीम को एक पारस का पत्थर लेना था, पारस का पत्थर चाहिए था, पारस के पत्थर की मांग करी थी उस योगी से भीम ने, जिसके उपलक्ष्य में उसको ने योगी ने भीम कहा कि अगर तू इस जगह पूरी रात में एक किला बना सकता है तो मैं तेरे को एक ये पारस का पत्थर दूंगा, जिसके तहत भीम ने इस जगह पूरी रात में पूरा एक इतना बड़ा विशाल किला स्थापित किया। विशाल जैसे ही उसका एक दक्षिण भाग थोड़ा सा बच गया था कि योगी द्वारा एक चाल रची गई, एक षड्यंत्र रचा गया जिसके तहत उसने मुर्गे की आवाज़ में सुबह बांध दी, जिससे क्या हुआ कि जिससे ये हुआ भीम को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उसने जोर से जमीन पे एक लात मारी, जिससे यहाँ पे चित्तौड़ फोर्ट पे एक भीमलत कुंड बन गया, इस जो आज भीमलत कुंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको इसके बड़े बड़े दरवाजे दिख रहे हैं, इसके लगभग बहुत बड़े बड़े सात दरवाजे हैं, ठीक है। यहाँ बहुत से आक्रमण भी हुए हैं, यहाँ पे सबने आपने सुना होगा तीन बार यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में तीन बार चोर भी हुए, ठीक है। तो ये बहुत विश्व प्रसिद्ध दुर्गों में से एक है, 2013 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। हमने ऐसे मन बनाया कि अच्छा मौसम हो रहा है तो थोड़ा किले पर हम घूम के आते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा ये किला। गाइड लिया ना? हाँ, 100 रुपये तो लेता है, वैसे 200 मांगता, 100 में मांगे, 300 दे दिए तो अच्छा बताया था ना। हाँ सही है, एक यहाँ पे गुमल गुटका तो खाते ही, पहले एक वो जा रहा था बोला। ये किला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं चाहूँगा, मैं आप सब को एक बताना चाहूँगा कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस किले को कृपया ज़रूर विज़िट करें एक बार, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसको देखने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, और ख़ास करके इस बारिश के मौसम में। आप सब जैसे देख रहे हैं ये कुंड जो बने हुए हैं, ऐसे लगभग यहाँ पर 100 से 150 बाड़े हो रहे हैं जो कि फुल जलमग्न रहते हैं बारिश के मौसम में, ठीक है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये राणा रतन सिंह जी का महल आने वाला है। यहाँ पे राणा रतन सिंह का महल है, हम यहाँ पे जा रहे हैं, मंदिर जाने देते हैं, ठीक है। राणा रतन सिंह कौन थे? जो कि पद्मावती के पति थे, हस्बैंड थे जो रानी पद्मावती के, ठीक है। ये हम राणा रतन सिंह जी के महल पहुँच गए हैं, दिख रहा होगा आपको कितना। ये तो सिर्फ एक महल है, यहाँ पे ऐसे लगभग हम बात कर सकते हैं 100 से 150 महल अलग अलग और हैं। कुछ तो खंडित हो गए हैं, कुछ तो खंडित हो गए हैं, बट कुछ अभी भी बहुत अच्छे से है यहाँ पे, और आप इसको बहुत अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। ये राणा रतन सिंह जी का महल है, आपके साथ मैं फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा, ठीक है। ये हम अब गोमुख कुंड पे आ गए हैं, जो हमको बाहर से किले के बाहर से दिखता है, ये गोमुख कुंड है। यहाँ पे इसके जो आपको दो जगह दिख रही होगी जहाँ से पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे भले कोई सा भी मौसम हो हमेशा यहाँ पे पानी आता रहता है। ये गोमुख कुंड है, ये गर्मी में कितनी गर्मी पड़ जाए कभी नहीं सूखता। देख रहे होंगे आप मछली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाना खिलाया जाता है मछलियों को, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ पे मगर भी रहते हैं। अगर हम बात करें गोमुख कुंड की, तो यहाँ पे अंदर की तरफ दो शिव की प्रतिमाएं लगी हुई, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, उन शिव की प्रतिमाएं हमेशा पानी से जमीन में रहती है।